उस रोज बड़ी देर बात चल रही थी, शायद परिवार के पास में एक दिशा हो गई। इस घोंसले में नया पंछी को चहचाने वाला था। बड़ी देर बाद दर्शन खुशी का फैसला था। यूं तो परिवार जन एक दूसरे को बड़े करते हैं, फिर ना जाने क्यों ऐसे अवसर पर निकलते हैं। देखा जाए तो ऐसे अवसर पर जाने की मजबूरी है, इसलिए ऐसे पंछियों का चहचाना भी जरूरी। फिर भी इस बार पिताजी का चलना मुश्किल लग रहा था। पिछले परिवार मेंबर का किस्सा जो उनके मन में चल रहा था, ये मनुष्य बड़े अजीबो गरीब खेल खेलते हैं। सबसे ज्यादा दोष अपनों में ही होते हैं। अन्य जनों के बारे में फिर भी सह जाते हैं, पर अपनों के बारे में वज्र संभाल लेते हैं। चलिए, बच्चों ने अपनी परंपरा निभाई, वो पिताजी के स्नेह में गए और इस तरह हम भी अपने बड़े पिताजी के घर जाने सच हो गए। पहुंचने पर देखते हैं बंट सर पर हाथ लग रहा था। पूछने पर पता चला वो हाथ बहुत पहले ही खड़ा था। हमसे पहले कोई जी का आत्मा हुआ था जो उम्र में थी बड़ी, और पिछली बार जिस बात पर अनबन हुई थी उस पर अब भी थी। भीतर पहुंचते ही देखा स्थिति थी गर्माए, एक तरफ थी पिताजी की दीदी तो एक तरफ भाई। बच्चों को ना मतलब था ना समझ, फिर भी चुप खड़े। बच्चों को ना मतलब था ना समझ, फिर भी चुप खड़े थे। ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल तारीख आगे बढ़ती है। कुछ अच्छे ऐसी भी आती है कि पूरा केस ही पलट जाता है। बात जब परिवार के न्याय की होती है तो पूरा न्याय शास्त्री बदल जाता है। बात जब परिवार के न्याय की होती है तो पूरा न्याय शास्त्री बदल जाता है। सुनो, उस दिन जो हुआ था वो हुआ नहीं था। एक बार फिर दिन हो जाता अपना बाबू भी कल हार गया था कि फैसला होगा। पिताजी थोड़ा फैले फिर बोले था, करने लगे फिर धर्म की होगा। परिवार को नहीं देते तुम सम्मान, बंधुजन और सभा में रखते हैं ना, नहीं याद रखते ग्रंथों का तुम क्या। परिवार के बिना जीवन नहीं आ सकता। क्या मित्र से यदि कोई भूल हो तो उसे नहीं बुला देते, अगर नहीं तो परिवार के साथ क्यों चिढ़ते हो। क्या ऐसी बात है मित्रों के दिखाते हो या परिवार जन को दिखाने का ही निर्णय बनते हो। सफाई को तो कहते कि ताली एक हाथ से नहीं बनती, रिश्तेदारी केवल एक साइड से नहीं लेती, रिश्तेदारी केवल एक तरफ से नहीं लेती। बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार, इस परंपरा को बात करना चाहता है। फिर क्यों बड़े अपना बड़प्पन नहीं देता, क्यों छोटों को प्यार देने में है खतरा, क्यों नहीं देते छोटे बड़ों को सम्मान, क्यों भूल जाते हैं शास्त्रों का एक प्यार, क्यों भूल जाते हैं शास्त्रों का एक प्यार। ठीक है, सवालों को पहुंचाने पड़े। बड़े पिताजी मौत थे, उपा जी सुन रहे थे। पिताजी की पीड़ा हर कोई समझ रहा था। इस तरह से बात कर पिताजी का सभी पहुंचे और बोले, क्यों खड़े हो माओ, अगर पैर लगाना स्वयं न चाहो तो फिर सन्नी किराए कौन। गलती अगर हुई किसी से धर्म है उसको मिटाना, गलती अगर हुई किसी से धर्म है हमारा उसको मिटाना, पर किस धर्म ने कहा है उस व्यक्ति से घृणा। बड़े पिताजी ने कभी बुआ जी के एक स्पर्श चरण, बड़े पिताजी ने तभी बुआ जी के एक स्पर्श चरण अगले क्षण देखा था सबके अशुभूल थे। ये सब समाज शुरू होने के पहले ही पिताजी समझ चुके थे। इससे पहले वो समझा थे, स्वयं को पहले ही समझा चुके थे। काकाशी फिर आए थे, पिताजी को गले लगा, दोनों ने फिर आगे बढ़कर बड़ पास किया। वातावरण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सुगंधित फूल फेंक उठे और इस मिलन का साक्षी बन गए। मेरे लिए सुख के असंचलन पर मेरे लिए सुख के